लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंजंक्शंस के थ्री काइंड्स पढ़े, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शन। दोस्तों अभी हम लोग समझने वाले हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है उसको हम लोग फोर और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपके सामने फोर पार्ट्स हैं। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा है क्यूम्युलेटिव और कॉप्युलेटिव कंजंक्शन। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लोग बस ये फोर काइंड्स देख लेते हैं। देखो दोस्तों फर्स्ट वाला हमारा है क्यूम्युलेटिव या फिर उसको कॉप्युलेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में जो है उसको संपर्क सूचक संयोजक बोलते हैं, संयोजक मतलब आपका कंजंक्शन, तो संपर्क सूचक संयोजक भी इसको कहा जाता है। अब ये जो संपर्क शब्द है दोस्तों, ये जो संपर्क शब्द है इससे एक चीज पता चलती है, क्या पता चलती है कि ये जो भी कंजंक्शन है ये क्या करता है, दो वाक्यों के बीच में संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। सेकेंड जो कंजंक्शन है वो क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव, देखो एडवर्स जो शब्द है इसका मतलब होता है विरोध, नेगेटिव, अपोजिशन, ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट लेकर आता है। इसका हिंदी भी जो है आप लोग देखें, हिंदी में इसको कहा जाता है विरोध सूचक संयोजक, ठीक है, विरोध सूचक संयोजक। चलिए इतना समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि भाई दो ऐसे वाक्य हैं जिसका वो कंजंक्शन लगाने से आप एकदम एक दूसरे के अपोजिट या कोई कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं। थर्ड वाला जो हमारा कंजंक्शन है वो है डिसजंक्टिव या फिर ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखो ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, चॉइस, भाई या तो आप ये चूज करो या वो चूज करो, लाइक व्हाट डू यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, भाई क्या लेना पसंद करोगे आप, चाय लेना पसंद करोगे कि कॉफी लेना पसंद करोगे, तो दोनों में से जब आप एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हो तो वो हमारा जो कंजंक्शन है वो कहलाता है ऑल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव कंजंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विकल्प सूचक संयोजक, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। फोर्थ वाला हम देख लेते हैं इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है आपका निष्कर्ष निकालना, है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है निष्कर्ष सूचक संयोजक, ठीक है। इसका इलेटिव में या तो आप किसी कोई इन्फरेंस निकाल रहे हो या कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो या आपके वाक्य का निचोड़ निकाल रहे हो, उसका क्या परिणाम है वो निकाल के आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग उनको कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन। तो चलिए डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, एक एक को समझते हैं। देखो क्यूम्युलेटिव या कॉपुलेटिव जो कंजंक्शन है उसको कहा जाता है संपर्क सूचक, उसका एक ही काम है दोस्तों। क्यूम्युलेटिव और कॉपुलेटिव का केवल एक कार्य है, क्या एक कार्य है, बस वो कुछ नहीं करता है, बस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है, जस का तस दो वाक्य है उसमें, ना तो उसके उसके मीनिंग को अपोजिट करके लेके जाता है, ना उसके मिनिट में कोई उसके मीनिंग में कोई कॉन्ट्रास्ट लेके आता है, बस एक ही काम करता है ये क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन। वो क्या है कि वो बस क्या करता है कि दो वाक्य को उठा के एक साथ ज्वाइन कर देगा, बस इतना सा उसका काम है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है क्यूम्युलेटिव या कॉपुलेटिव की, डेफिनेशन कहती है कि इट मियरली एड वन स्टेटमेंट टू अनादर, भाई क्या करता है ये, बस एक स्टेटमेंट को जो है दूसरे स्टेटमेंट से जैसा है वैसा ज्वाइन कर देता है, ज्यादा उसमें अपनी कलाबाजी नहीं दिखाता है दोस्तों। इसके कुछ वर्ड्स देखो, जैसे आपका क्यूम्युलेटिव और कॉपुलेटिव के, देखो एंड जो शब्द है वो इसमें आता है क्यूम्युलेटिव कॉपुलेटिव में, या बोथ एंड, ये देखो दोनों पेयरिंग से चलते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ चलते हैं, जिसको अपन कोरिलेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो बोथ कुछ सेंटेंस में बोथ एंड दोनों साथ साथ में आते हैं, जैसे बोथ मी एंड माई ब्रदर आया ना, तो बोथ आई एंड माई ब्रदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो मैं और मेरा भाई, तो ये बोथ एंड इस तरह से वो चलता है एक साथ। एज वेल एज, तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, जैसे मी सॉरी आई एज वेल एज माई मदर वेंट टू मार्केट, तो मैं और साथ ही मेरी माँ मार्केट गए, ठीक है। फिर उसी प्रकार से देखो आप नो लेस देन, क्या मीनिंग है नो लेस देन, ठीक है, नो लेस देन, ठीक है, से कम नहीं बोलते ना, नो लेस देन। फिर एक और है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं आपके ये सारे
क्यूमुलेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो काम है केवल क्या काम है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम है, ना तो उसमें कोई विरोधाभास वो लेके आता है और ना हमको कोई किसी प्रकार की वो चॉइस देता है, ना कोई दो वाक्यों में ज्यादा उसका मीनिंग चेंज करता है, बस क्या करता है, दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, संयोजन का काम करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज बोथ फाइंड एंड इम्प्रेजेंट। देखो ये आपका एग्जाम्पल है, शी इज फाइंड और शी इज इम्प्रेजेंट, दो सेंटेंस है आपके, एक तो उसके साथ फाइन, उसके ऊपर फाइन लगा और दूसरा जो है उसको जेल हो गई। अब दोनों सेंटेंस को एंड ने क्या करा, उसने एंड ने दोनों सेंटेंस को मिक्स कर दिया, एक साथ संयुक्त कर दिया, शी इज फाइंड एंड इम्प्रेजेंट। क्लियर हो रहा है? देखो शी इज बोथ फाइंड एंड इम्प्रेजेंट। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, रमन एज वेल एज रवि। ठीक है, ये यहां पे रवि मिस हो गया था आपका। देखो रमन एज वेल एज रवि वॉज प्रेजेंट देयर, भाई रमन और साथ ही साथ, देखो एज वेल एज का एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आता है कि रमन और साथ ही साथ रवि भी वहां पर मौजूद था। तो देखो क्या हो गया, रमन एज वेल एज रवि वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये हमने क्या समझा, ये हमने देखा कि क्यूमुलेटिव में जो है, ये क्यूमुलेटिव के जो कंजंक्शंस है ये केवल दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, दैट्स इट। सेकेंड वाला हम लोग देख लेते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। दोस्तों ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, ऐसे संयोजक शब्द होते हैं जो दो सेंटेंस के अंदर विरोधाभास, अपोजिट फीलिंग्स लेकर आते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी, देखो ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस ओपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। भाई क्या करते हैं, ये दो सेंटेंस के बीच में या तो कोई अपोजिशन हो गया या फिर दो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट वो लोग शो करते हैं, अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखो आप, बट हो गया, स्टिल और येट। दोस्तों इन दोनों में से आप कोई एक लगा सकते हो, या तो आप स्टिल लगाओ या येट लगाओ, ऑप्शन में हमने इसलिए लिया है इसको, बट हो गया, स्टिल येट हो गया, नेवरदलेस हो गया, या वेयर एज हो गया, या वाइल हो गया, या ओनली हो गया, ये आपके सारे वर्ड्स जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्जांपल देखो आप, ही वॉज अनॉयड, स्टिल या येट दोनों में से कुछ भी लगाओ, ही वॉज अनॉयड, स्टिल ही केप्ट क्वाइट। अनॉयड मतलब उस बहुत परेशान होना, ठीक है, बहुत तंग आ जाना, तो वो पूरी तरह, ही वॉज अनॉयड तो बहुत तंग आ गया था, उसके बावजूद स्टिल, है ना, स्टिल मतलब बावजूद उसके वो क्या करा, वो चुप रहा, ही केप्ट क्वाइट। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, देखो ध्यान दो कि एक जो फर्स्ट आपका सेंटेंस है ये आपका नेगेटिव आ रहा है, फर्स्ट जो सेंटेंस है ये कैसा मीनिंग लेके आ रहा है, भाई परेशान होना, है ना, तंग आ जाना और घबरा जाना, परेशान हो जाना, ये सारा क्या है, ये सब तो नेगेटिव इफेक्ट है ना। लेकिन सेकेंड सेंटेंस देखो, He kept quiet, फिर भी वो शांत रहा। भाई obviously होता क्या है, जब हम परेशान हैं तो क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा react करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक साइड तो उसका नेगेटिविटी है और इधर ये पॉजिटिविटी, तो दो कॉन्ट्रास्ट, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इस तरह की चीजें जब एक साथ आती है, जो जो वर्ड लेकर आता है उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, देखो शी इज ब्यूटिफुल, वेयरस और वाइल दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो, वेयरस या वाइल दोनों यहां पे अप्रोप्रिएट है। देखो आप, शी इज ब्यूटिफुल, हर फ्रेंड इज नॉट, मतलब देखो यहां एक उसकी ब्यूटी की बात हो रही है और यहां पे नहीं, मतलब शी इज ब्यूटिफुल बट हर फ्रेंड इज नॉट ब्यूटिफुल, तो यहां आप बट भी लगा सकते हो, वेयरस भी लगा सकते हो, वाइल भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात, ये जो वर्ड्स है आपके अपोजिट सेंस लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है डिसजंक्टिव या फिर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट हमको कोई एक ऑप्शन या चॉइस दे रहा है उसको बोलते हैं हम लोग
विकल्प सूचक या फिर डिसजंक्टिव या ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। देखो एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव, भाई आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, लाइक आई कैन यूज अ वाइट चॉक और अ पिंक चॉक, तो दिस इज माई चॉइस, आई कैन यूज दिस चॉक और दिस चॉक, तो दोनों में क्या हो रहा है, एक ऑप्शन की बात हो रही है। मतलब आपके पास ऑप्शंस की कभी भी बात हो तो हम लोग उसको, उन कंजंक्शंस को हम लोग ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। इसमें देखो एग्जांपल कौन कौन से, और आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, देखो दोनों में से कोई एक यूज कर लो, अदरवाइज या एल्स, दोनों का मीनिंग लगभग सेम आता है। तो देखो आप फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखो आइदर ही इज मैड, या तो वो पागल है ठीक है, और ट्राइंग टू बी वन, या फिर वो क्या कर रहा है कि वो बनने का, पागल होने का नाटक कर रहा है, ट्राइंग टू बी वन ठीक है, उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। तो देखो आइदर और उसके साथ और ठीक है, और ये हमारा क्या दे रहा है, चॉइस दे रहा है, या तो वो ऐसा है या फिर वो ऐसा होने की नाटक कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, वर्क हार्ड, भाई मेहनत करो, और या अदरवाइज, दोनों में से आपको ये एक ले सकते हो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, और या अदरवाइज ठीक है, ये ऐसा आएगा, अदरवाइज ठीक है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, भाई क्या है कि मेहनत करो अदरवाइज या फिर एल्स यू विल नॉट पास, नहीं तो आप क्या होगा कि पास नहीं हो पाओगे। क्लियर है भाई, क्लियर है, देखो कितना अच्छे से पूरा हमने चार्ट मेंटेन किया, जितने भी उसके एग्जाम्पल्स हैं वो हमने उसके लिए, फिर हमने उसके कुछ लाइव वो एग्जाम्पल देखे, वर्ड्स एग्जाम्पल भी देखा। चलिए लास्ट फोर्थ वाला हमारा है इलेटिव, इलेटिव कंजंक्शन। देखो इलेटिव का मतलब होता है कोई निष्कर्ष निकालना, इसीलिए उसको बोलते हैं निष्कर्ष सूचक संयोजक। देखो इसमें क्या करता है, एक्सप्रेसेस एन इन्फरेंस या फिर कंक्लूजन, है ना, फाइनल पॉइंट ठीक है, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, या इन्फरेंस, या फिर कोई कंक्लूजन, या उसका निचोड़ निकाल के लाना, वो होते हैं इलेटिव कंजंक्शंस। देखो दोस्तों कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे फॉर, फॉर कहीं जगह यूज होता है, फिर देयर फॉर ठीक है, या फिर सो, या कॉन्सिक्वेंटली, दोनों में से आप क्या करो कोई एक यूज कर सकते हो, मीनिंग वही का वही सेम निकल कर आता है, क्या होता है, सो या कॉन्सिक्वेंटली। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, शी विल पास, देखो शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। अब आपने देखा है कि फॉर जो है वो तो हम लोग एडवर्ब में भी यूज होता है, वो आपका प्रीपोजिशन में भी यूज होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है फॉर आपका कंजंक्शन में भी यूज हो रहा है, और कैसे यूज हो रहा है कंजंक्शन में, इलेटिव कंजंक्शन या निष्कर्ष निकालने के लिए यूज हो रहा है। आप देखो यहाँ पर शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड, भाई वो पास होना ही होना है, यहाँ पे फॉर का मतलब हो रहा है क्योंकि ठीक है, तो उसको पास होना है क्योंकि उसने जो है बहुत मेहनत की है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे फोर का मतलब क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि, तो क्या है, शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। एक एग्जाम्पल और देखो, ही वॉज फाउंड स्टीलिंग देयर फॉर अरेस्टेड। देखो ध्यान से इसका क्या मीनिंग है, ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, भाई वो क्या हुआ कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, और वो चोरी पकड़ते हुए पकड़ा गया इस कारण उसको अरेस्ट कर लिया गया ठीक है, तो इस कारण क्या हो गया आपका, देयरफॉर हो गया, तो देयरफॉर उसको अरेस्ट कर लिया। तो यहां पे देखो क्या देखा हमने, यहां पे निष्कर्ष निकल के आ रहा है, यहां पे उसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है, उसका एंड पॉइंट निकल के आ रहा है। दोस्तों क्लियर हुआ ये चार, इसके जो काइंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट सेशन में और कंजंक्शंस के हम लोग इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की और उसके काइंड्स की। दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में मैंने बताया था कि कोई एक सेंटेंस वो डिपेंड होता है मेन क्लॉज के ऊपर ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अलग अलग टाइप्स की। देखो अलग अलग पर्पस, देखो कंजंक्शंस को इसमें हमने डिवाइड कर दिया टाइम के हिसाब से। तो देखो जो कंजंक्शन, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके टाइम शो करवा रहा है, टाइम का बोध करवा रहा है, या कोई टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर समय कौन सा हो रहा है उसकी बात कर रहा है, तो उन कंजंक्शंस को हम लोग बोल देंगे कंजंक्शंस ऑफ टाइम।
आप बोल सकते हो कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अपने अपने यूज के हिसाब से, जैसे जिस तरीके से हम लोग उनको यूज करते हैं उसी तरीके से हमने क्या किया, उनको अलग अलग 7-8 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। दोस्तों ये जो सेशन है आप लोगों को केवल एक इंफॉर्मेटिव सेशन है, इसका कोई डायरेक्ट आपके ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं एरर में या फिर एग्जाम में। ये अभी तक का जो भी हमने पढ़ा हुआ है कंजंक्शन का, उसका केवल एक पर्पस है कि आपका जो फाउंडेशन जो है वो क्लियर हो जाए, आपके जो कंसेप्ट्स है कंजंक्शंस को के बारे में आपको एक आइडिया लग जाए कि ये कंजंक्शंस जो है ये क्या होते हैं, इसके काइंड कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से कंजंक्शंस के वर्ड्स हैं जो अपन हम लोग उसको डिटेल में स्टडी कर पाए। असली जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रिक्स है दोस्तों, वो मैं कुछ आने वाले सेशंस में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो है केवल एक इंफॉर्मेटिव सेशन है, फाउंडेशन का सेशन है, ये भी आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें हमने काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू यूज, ओके, अकॉर्डिंग टू यूज, भाई जैसे उसको यूज करते हैं उस हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर दिया। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। देखो कितने इजी नेम्स हैं, ये कंजंक्शंस ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि ये कंजंक्शंस क्या बताते हैं आपको, टाइम शो करवाते हैं। फिर कंजंक्शंस ऑफ कॉज एंड रीजन, भाई कारण बता दिया, रीजन क्या है वो बताने के लिए कौन से कंजंक्शन यूज करते हैं। या कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, भाई परिणाम क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ठीक है, उसका परिणाम क्या है। या कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, भाई उसका मकसद क्या है, मकसद शो करने के लिए सेंटेंस में पर्पस शो करने के लिए कंजंक्शन यूज करते हैं। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस है। कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट लाते हैं। या कंजंक्शंस ऑफ कंपेरिजन, इसमें जो है दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को कंपेयर किया जाता है। कंजंक्शंस ऑफ एक्सटेंट या मैनर, उसको किस तरीके से कोई मैनर है उसको शो करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। तो ये चलिए एक एक करके डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा है कंजंक्शंस ऑफ टाइम। पहले तो आप देखो कि ये कंजंक्शंस ऑफ टाइम में हम कौन कौन से कंजंक्शंस यूज करते हैं, आपका बिफोर या फिर आफ्टर या सिंस या टिल, अनटिल, एज सून एज या वाइल या एज लॉन्ग एज या वेन एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ड्स है दोस्तों, कौन कौन से वर्ड है आपके, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज, वाइल, एज लॉन्ग एज और वेन, ये सारे जो वर्ड्स है ये क्या कहलाते हैं, कंजंक्शंस ऑफ टाइम कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लाइक वेट हियर टिल अनटिल आई रिटर्न, दोनों में से आप कोई भी एक लगा सकते हो कि वेट हियर टिल आई रिटर्न, भाई यहां रुको जब तक कि मैं वापस ना आऊं, ठीक है। तो टिल मतलब जब तक मैं वापस आऊं और अनटिल मतलब जब तक वापस ना आऊं, तो इसमें नेगेटिविटी आ जाती है, नो की फीलिंग आ जाती है ना। तो वैसे आप किसी पे भी सेंटेंस बना सकते हो। आप देखो सारे के सारे जो वर्ड हैं वो किसी न किसी टाइम की बात कर रहे हैं ना, एज लॉन्ग एज, जब तक की, एज सून एज, जितना जल्दी हो, ठीक है। सिंस मतलब भी तक होता है, आफ्टर मतलब भी के बाद होता है, बिफोर मतलब के पहले होता है, वेन मतलब जब होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो कंजंक्टिव वर्ड्स हैं, ये सभी आपको कंजंक्शंस ऑफ टाइम की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंजंक्शंस ऑफ कॉज एंड रीजन, भाई ये कारण बताने वाले वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं आपका, बिकॉज या सिंस या एस, ये वर्ड्स हम लोग देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहां पर भी आ गया, सेंस इधर भी आ गया, भाई उसके यूज पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जिस तरीके से उसको यूज करोगे। अगर इस सेंस को आप टाइम बताने के लिए यूज करोगे तो यहाँ लगा देंगे, इसी सेंस को अगर आप रीजन कारण बताने के लिए यूज करोगे तो यहाँ आ जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, ही विल रिसीव द प्राइज सिंस ही डिजर्व इट, है ना। यहाँ पे सिंस का मतलब हो रहा है चूंकि, क्या मतलब निकल के आ रहा है, चूंकि, है ना, चूंकि वो इस प्राइस को जो है वो इस प्राइस को डिजर्व करता है, ठीक है, उसका हक बनता है। तो ही विल रिसीव द प्राइस, उसको मिलेगा चूंकि वो इसको डिजर्व करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये केवल और केवल यूज के हिसाब से हमने यहाँ पे सेपरेट किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, भाई कॉन्सिक्वेंस उसका परिणाम क्या आ रहा है। आप देखो इसमें दैट हम लोग यूज करते हैं, कॉन्सिक्वेंस में क्या यूज करते हैं, दैट, रिजल्ट के लिए क्या यूज करते हैं, दैट लगाते हैं। देखो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही वन द फर्स्ट प्राइज, भाई वो इतना
ये इसका क्या मतलब आ रहा है कि है ना वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने क्या करा, प्रथम जो पुरस्कार है वो उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखो कंजंक्शन ऑफ पर्पस, इसमें कोई मकसद, ठीक है, कोई पर्पस की बात हो रही है। कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, दैट भी लगाया जाता है, सो दैट लगाया जाता है, लेस्ट LEST लेस्ट लगता है, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू नहीं, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, ये सब के सब जो वर्ड है ये पर्पस को शो करने के लिए यूज होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखो, वर्क हार्ड, भाई मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, सॉरी यू शुड फॉल, ठीक है, यू शुड फॉल या फेल दोनों आप लगा सकते हो। तो क्या है, वर्क हार्ड लेस। दोस्तों एक एडिशनल चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, याद रखना, जब कभी भी आपका लेस्ट आया, जब कभी भी आपका लेस्ट आया तो इधर जो है आपका मॉडल शुड आएगा ही आएगा, मॉडल शुड आएगा ही आएगा। यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि वर्क हार्ड लेस यू विल फॉल, ठीक है, क्या आएगा, यू शुड फॉल, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है दोस्तों। लेस्ट कभी भी आया तो शुड आएगा, आप बिल्कुल बस ये याद रख लो। नेक्स्ट आप देखो कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, यहाँ पे भी कंडीशन परिस्थिति की बात हो रही है, ठीक है, कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, इफ, एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये वर्ड्स हैं। एग्जांपल देखो, शी बिहेव्स एज इफ शी वर मैड, देखो वो इस प्रकार से वो बिहेव कर रही है, इस प्रकार से वो व्यवहार कर रही है जैसे कि वो कौन है, पागल है, एज इफ शी वर मैड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इफ के बाद, दोस्तों एक बात और याद रखना, इफ के बाद आपका जो है कंडीशनल सेंटेंस लग जाता है, इफ के बाद कौन सा सेंटेंस लग जाता है, कंडीशनल सेंटेंस। तो ये इफ के बाद शी के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन शी के साथ वॉज नहीं आएगा, अपोजिट हो जाएगा, शी के साथ वर हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में इफ एज इफ जब भी हम लगाते हैं, आप बस ये याद रख लो कि एज इफ जब लगाया जाता है तो यहां पर जो है आपका, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। आपका हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों हमेशा किस फॉर्म में होगा, हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। बस ये याद रख लो, क्या याद रख लो कि सर जी एज इफ आया कहीं पर भी तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गया। भाई ये देखो एक्स्ट्रा चीज पता चल रही है ना हमको, तो कभी भी एज इफ आया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, नंबर वन। ये मैंने बताया, कभी भी लेस्ट आया दोस्तों, कभी भी लेस्ट आया तो यहाँ पर आपका जो है मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट हो रहा है, एक अपोजिशन अपोजिट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, ऑल्दो, दो, हाउएवर, है ना, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, यद्यपि, यद्यपि, हालांकि, इस तरह के मीनिंग है। एक एग्जांपल देखो, ही विल नॉट सक्सीड हाउएवर हार्ड मे ही मे ट्राई, देखो वो सफल नहीं होगा, देखो यहां पे ही विल नॉट सक्सीड हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई। अब देखो कितना भी चाहे, हाउएवर हार्ड मतलब चाहे कितनी भी, कितना भी परिश्रम कर ले, बावजूद उसके वो सफल नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट हो रहा है। एक ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है, अगर हाउएवर हमने हटा दिया तो क्या हुआ, ये ही मे ट्राई, भाई हार्ड ही मे ट्राई, मतलब वो देखो मेहनत कितनी उसकी हो रही है, उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, देखो ये शब्द आपके कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन या फिर कॉन्ट्रास्ट की कैटेगरी में हमने ऑल्दो, दो या हाउएवर को रखा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेवंथ वाला देख लेते हैं, कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। देखो वर्ड से ही समझ में हो आ रहा है हमको, इसमें हम लोग दो लोगों को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, अच्छा वर्ड है इसमें एज और देन, जैसे देखो शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, मतलब वो मुझे लाइक करती है, नो लेस देन यू मतलब जितना तुमको वो लाइक करती है उससे कम नहीं करती है। तो यहाँ पे नो, ये एज देन, या फिर एक और वर्ड है हमारा कौन सा, नो लेस देन, ये भी हमारा किस में आ रहा है, कंपैरिजन में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, या माय राइटिंग इज बेटर देन हर्स, मेरी जो राइटिंग है उसकी राइटिंग से बेटर है, तो यहाँ पे हर्स, तो ये देन आ गया। ठीक है, क्लियर है। देखो लास्ट हमारा है कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंड या मैनर, किस लेवल तक, किस हद तक, किस मैनर में, ठीक है, किस ढंग से, उसको बताने के लिए कौन कौन से वर्ड है आपके, एज और अकॉर्डिंग एज, कौन सा वर्ड है, एज और अकॉर्डिंग एज। देखो आप एग्जांपल क्या है,
he chose the candidates according as they were fit. ध्यान से एक बार और रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन. He chose जो है वो choose का second form है. उसने चुना. कैसे चुना, किसको चुना? The candidates, candidates को चुना. देखो यहाँ पे की तरह, किस प्रकार से, according as आ गया यहाँ पे, according as they वर फिट, उनकी फिटनेस के हिसाब से. भाई फिट मतलब उनकी कैंडिडेचर के हिसाब से, भाई ये जो कैंडिडेट्स हैं आपके वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस क्या करा उन्होंने, ही चोज दी कैंडिडेट. तो क्लियर हुआ दोस्तों, ये अभी तक हमारा बेसिक और फाउंडेशन का सेशन था कंजंक्शंस का. नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ एकदम रूल्स कंजंक्शंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं डायरेक्ट एसएससी और बैंकिंग के लेवल के, पास्ट ईयर में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आ चुके हैं. चलिए मिलते हैं.